झुंझुनू के नवलगढ़ में विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा की प्रेरणा से नवलगढ़ प्रधान दिनेश सुंडा की तरफ से पौधरोपण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज एक अनूठा रिकॉर्ड बनाया गया है, जिसका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज करवाने के लिए दावा किया जाएगा। नवलगढ़ प्रधान दिनेश सुंडा ने बताया कि आज नवलगढ़ के कृषि मंडी में पंचायत समिति और वन विभाग के सहयोग से 30 सेकेंड में 551 पौधे लगाने का लक्ष्य लिया गया था, जिससे पूर्व तैयारियों का फायदा मिला और 10 से 15 सेकेंड में ही सभी ने पौधे लगा दिए। राजस्थान सरकार के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का एक सपना है कि पूरे राजस्थान को हम हरा भरा करें, और कोविड के बाद तो और ज़्यादा इसकी महत्वता बढ़ गई है कि बिना पेड़ों के जीवन बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो आज हमारे नवलगढ़ में हमारे फॉरेस्ट विभाग की टीम और हमारे प्रधान जी, हमारे सारे जनप्रतिनिधि, हम सब लोगों ने निर्णय लिया हमारे सभी अधिकारियों के साथ, हमारे सभी कार्यकर्ताओं के साथ, कि नवलगढ़ की हमारी जो मंडी है फल फ्रूट वाली, उसके अंदर हम लोग एक रिकॉर्ड बनाए। तो आज 551 एक साथ सब लोगों ने, एक आपने देखा होगा हमारे स्काउटिंग के अधिकारी ने जिस प्रकार से विशल बजाई और उसके बाद एक साथ वृक्षारोपण किया गया। और आज विधायक महोदय की प्रेरणा से लगातार सामाजिक सरोकार के नवाचार हम लोग करते रहते हैं, उसी कड़ी में वृक्षारोपण अभियान हमने जेजेएन ट्री प्लांट चैलेंज के तहत पूरे जिले में जो 11 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य लिया है वो लगभग हमने अचीव कर लिया है। उसी कड़ी में आज सभी कार्यकर्ताओं ने आम सहमति से एक साथ मिलकर 30 सेकेंड में एक साथ 551 पेड़ लगाए हैं, जो ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम पे हमारी टीम का मानना है पूरे जिले में नहीं पूरे राजस्थान में ये एक अनूठा प्रोग्राम हुआ है।